मेरी खामोशी को, मेरी हार मत समझना। कुछ फैसले मैं ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज दिन है सैटरडे, सेकेंड सैटरडे है और छुट्टी है और दिन का आगाज़ हो चुका है, नए दिन का आगाज़ हो चुका है और बड़ा अच्छा लगता है हमारी तरफ। एक्चुअली क्या है कि डेवलपमेंट हो गया है एमडी का, इतना नहीं हुआ है जितना पुराने शहर में अंदर है। बहुत कंजस्टेड है, गलियां भी छोटी छोटी होती हैं। यहाँ अच्छा लगता है, ग्रीन 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 है और चिड़ियाँ चहकती हैं सुबह को, तो अच्छा लगता है। तो मैं एक बात कहूँगी आपसे, देखिए, जो अपना दर्द छुपाना जानते हैं, जो अपनी तकलीफ छुपाना जानते हैं, सामने वाले को के सामने हंसते हैं ना, उनसे बड़ा स्ट्रांग इंसान कोई नहीं होता। मजबूत होता है जो अपना दर्द छुपाना जानता है। कभी कभी कहते हैं ना, भरा हुआ गिलास जो होता है ना, कभी कभी छलक जाता है, ज़्यादा भर जाता है तो छलक जाता है। तो ऐसे ही दिल की बात है, इंसान की बात है। जब तकलीफ होती है और वो ओवर होती है ना, तो कभी आंखों के रास्ते निकल लिए आते हैं। हमने इन आंसुओं से कहा, हमें इतना ना सताया करो, सबके सामने बाहर मत आया करो। तो इन्होंने तड़फ कर कहा, आपको अकेला पाते हैं तो साथ चले आते हैं। यही बात है। तो मैंने कहा ना कि भरा हुआ गिलास की तरह ही दिल हो जाता है, जैसे भरा ज़्यादा ऊपर कर दो तो वो छलक जाता है। ऐसे ही कल मेरा दर्द छलक के आप लोगों के सामने आ गया। अच्छा लगा मुझे उन्हें प्यार, लोगों ने प्यार दिया, अच्छा लगा। देखिए, तकलीफ वही समझ सकता है जो तकलीफ में होता है। वो कह रहे हैं, एक मेरे पास कमेंट आया कि मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अकेली, उस तकलीफ को मैं जान सकती हूँ। मेरी 22 साल की उम्र होकर 23वें साल में लगी थी और मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए थे और मेरे भी बच्चे थे, बच्ची थी। बहुत कुछ झेला है भाई, बहुत कुछ झेला है मैंने, मैं कह रही हूँ ना, बहुत कुछ झेला है। हो जाए मेरे 10,000 हो जाए मैं बता दूँगी, 10,000 सब्सक्राइब हो जाए, 8-9,000 में बता दूँगी। बहुत कुछ झेला है बहन, कोई बात नहीं। देखिए, ऊपर वाला जब रास्ता बिगाड़ता है तो बना पहले देता है, आपको पता नहीं होता। वो जरूर, उसने अगर ऐसा कुछ किया है तो तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ सोचा भी जरूर होगा। तो मैं ये कह रही थी कि जो अपना दर्द छुपाना जानते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, समझे, रियली स्ट्रांग होते हैं वो जो अपना दर्द छुपाना जानते हैं। लोग कहते हैं कि खुद से प्यार करो, सही कहते हैं वो, करना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा जीवन साथी आपका, सबसे सही जो साथ देने वाला है वो खुद है, खुद का शरीर है। खुद से प्यार करो, लोगों में गलतियां मत निकालो, लोगों में कमियां मत निकालो, या निगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव देखो, देखो कितना अच्छा लगता है। आप पॉजिटिव रहेंगे बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग हैं ऐसे जो निगेटिविटी फैला रखी है सोशल मीडिया, पॉजिटिविटी फैलाइए, खुद भी अच्छे रहोगे, सामने वालों को भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि गलती अर्शिया की भी हो सकती है। ऑफकोर्स, बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ हो सकती है। एक तरफा तो प्यार ख़तरनाक होता है, तो एक तरफा की तो गलती भी खतरनाक होती है, तो हो ही नहीं सकती। दोनों तरफ से बात होती है जब ही झगड़ा होता है। हाँ, लेकिन देखिए, जीवन साथी बनाने के लिए मैं आपसे कहूँगी, विचार मिलने बहुत जरूरी, या एक अप और एक डाउन, तब जीवन चलता है। दोनों ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं तो वो टकराते हैं आपस में, और जब विचार मिलते हैं तो दोनों ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए ही कहूँगी मैं कि हाँ, दोनों की गलती होगी। मैं ये नहीं कह सकती कि 100% अर्शा की गलती होगी, 100% अमीन की गलती होगी, गलती दोनों की होगी। वो उसका कहना है कि वो कह रहा है मुसलमान बन जाओ, वो नहीं बन रही, बात खत्म। ये
अगर बात है तो दोनों की गलती है। अर्शिया को पहले पता था कि वो मुसलमान है, अमीन को पहले पता था कि वो हिंदू है। आगे बढ़ने के बाद अगर आपने ये शर्त रखी है तो क्यों रखी है, ये आपको पता होगा। आप उससे मिल रहे थे, सब बात थी, आप पहले ही ये बात रखते भाई। अगर एक बात होती है, एक होती है दोस्ती का रिश्ता, एक होता है प्यार का रिश्ता। आपने रिश्ता जैसे ही शुरू किया था, आपको क्लियर करना था कि मैं आपसे शादी करूँगा, ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगा और आपको मेरे साथ मेरे धर्म में आना पड़ेगा। वो कह देती साहब कि मुझे आपके धर्म में नहीं आना, मैं शादी नहीं कर सकती, ख़त्म। अब आते हैं अर्शिया पे, अर्शिया को भी ये बात कहनी थी, मतलब उसे पता था ना कि देखिए ठीक है आप, मैं अगर ज़िंदगी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं मिलके, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, इतना ध्यान रखना। तो ये दोनों पहले से ही हो जाता ना। तो ये जो अब अर्शिया ये बात कह रही है कि मैंने उनसे कहा कि एज ए फ्रेंड तो रह सकते हैं, तो ये बात शुरू में हो जाती है तो शायद वो फ्रेंडशिप ही रहती फिर आपकी, बात आगे ना बढ़ती। अब जो सोशल मीडिया पे आ गई हो, और सोशल मीडिया पे जो सपोर्ट मिली है ना अर्शिया को, लोग जानते हैं ना, वो सायरा जी की वजह से जानते हैं। अर्शिया पहले भी ब्लॉग बनाती थी, इतने सब्सक्राइबर नहीं थे, इतने व्यूअर नहीं थे, ये बात तो पक्की है, ये बात तो मैं कहूँगी। और बहुत, मैं एक बात बताऊँ, मैं सायरा जी के एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, मैं आपको बताऊँ। किसी ने कहा था कि अर्शिया से होशियार रहना, बस ये कहीं आपको यूज़ तो नहीं कर रही, ये कमेंट आपने, ये कमेंट कम से कम एक महीने पहले की वीडियो में है। मैं कमेंट भी उनके बराबर पढ़ती हूँ, किसी ने ये कहा। और देखो दुनिया है हर तरीके से, मैंने कहा ना ये नज़रें हैं, किसी की कैसी होती है, किसी की कैसी, उन्होंने देखा होगा जो भी कुछ होगा। तो जो भी कुछ है भाई, इसे इशू ना बनाए कोई भी सोशल मीडिया पर, ये इशू वाली कोई बात नहीं है। फ्रेंड बनते हैं, दोस्ती होती है, कितना पैसा हो जाता है। आप छोड़िए और सबको छोड़िए, आप राखी सावंत को देखिए, उसकी तो शादी हो गई थी, निकाह हो गया था, फिर भी छोड़ के चला गया है ना, इतना इशू बना। आफ्टर मैरिज वो छोड़ के चला गया, बताओ, उसने शादी केवल इसीलिए करी थी। बताऊँ, बिफोर मैरिज या दोस्ती या किसी के घर या कुछ भी, जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा नज़दीकियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा आना जाना होगा, उतनी ज़्यादा कमियाँ निकलेंगी, मैं आपको बता रही हूँ। हर रिश्ते में स्पेस होना चाहिए, आप हर रिश्ते में थोड़ा स्पेस लेके चलोगे, कभी भी झगड़ा नहीं होगा। सामने वाले को भी टाइम लेके चलोगे, अपने आप भी टाइम लोगे, तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा। मैं कभी कभी 8-8 महीने 1-1 साल में जाती हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ, लेकिन वैसे ही मेरी फ्रेंडशिप है। ये नहीं होता कि आप रोज़ मिलोगे, किसी के पास आओगे जाओगे, जब भी आपकी फ्रेंडशिप मानी जाएगी, नो। ये तो दिल की बात है, कोई अगर प्यार करता है तो आपसे करता है। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, फ़ोन पे हाल चाल पूछ लो आप, जाने से ना जाने से, फ़ोन पे ज़्यादा बातें करने से, बोलने से, साथ में रहने से, जितना भी ज़्यादा नज़दीक होगी उतना ही कमियाँ निकल। अब देखिए मोटी की बात, बैठी है ना खामोश, केस की बात आ गई है। तो देखिए मां नानी का केस तो वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आपने उनका थंबनेल लगा रखा है, आपने उनका टैग लगा रखा है, वो मां नानी का केस कर सकते हैं आप। उनका थंबनेल लगा के, टैग लगा के, अगर उनके लिए आप गलत बोल रहे हैं, गलत नहीं, गलत से भी गलत बोल रहे हैं, तो आप केस तो वो कर सकते हैं। तो अब मोटी की हवा निकल गई। कभी कभी ना किसी, कहते हैं ना किसी दी उंगली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी करनी पड़ती है, टेढ़ी नहीं, किसी किसी के लिए तो हाथ ही टेढ़ा करना पड़ता है पूरा, किसी किसी के लिए उंगली टेढ़ी करके काम हो जाता है, किसी किसी के लिए हाथ टेढ़ा करना पड़ता है पूरा। तो वो किया, और जब वो किया तो अब क्या हुआ, बिल्कुल बैठ गए आप घर पे। अरे राखी सावंत के ऊपर बोलो ना, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलती हो, आदिल के ऊपर बोलो ना, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलती हो, नहीं बोलोगी क्यों, उसकी वीडियो नहीं डालती हो, उसकी वीडियो पूरी पूरी तुम डालती हो राखी सावंत की, तो बोलो ना उसके ऊपर,
किसी के पीछे तुम इतना पड़ गई फालतू में। ठीक है तुम्हारी दोस्ती थी, अफेयर था, जो भी था अयूब से पहले, वो छोड़ के अपनी बीवी के पास चला गया, बात खत्म करो, छोड़ दो ना, ऊपर वाले पे छोड़ो ना, ऊपर वाले पे छोड़ोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आप उस बात का जवाब दोगे तो फिर ऊपर वाला जवाब नहीं देता। खामोश रहिए, खामोशी बहुत बड़ा हथियार है, आप सामने वाले को खामोशी से हरा सकते हैं, लड़के नहीं जीत सकते, खामोशी से हरा सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाला जवाब देता है, समझे। यही कपड़बंद फोड़ के साथ हुआ था, बैठी है ना आराम से, कपड़बंद फोड़ ने भी यही कहा था। मैं सब ऑडियंस से कह रही हूँ, मेरी ऑडियंस जो है बहुत पुरानी जो है, मैंने कह रही ना, मैंने 10-15 दिन बीच में वीडियो नहीं बनाई थी, इस चक्कर में मेरी ऑडियंस टूट गई है। जो मेरी ऑडियंस पुरानी है उठा के देखो 10 महीने पहले की वीडियो मेरी, कि मैंने बराबर मैं यही बोली हूँ, और फिर वही हुआ है कि इस कपड़बंद फोड़ बैठ गई है घर पर, ऐसे ही मोटी बैठ रही है। क्या हुआ, गलत है ना, ये गलत है। उतना करो जितना ठीक है, जितना हजम हो जाता है, कहते हैं ना खाओ उतना जितना हजम हो जाए, ज़्यादा खाओगे तो पेट खराब होता है, वो किसी भी रास्ते से निकलने लगता है, फिर चाहे यहाँ से निकले चाहे वहाँ से निकले, तो इसलिए बस ये आज के लिए इतना ही कहूँगी, आज के लिए इतना ही कहूँगी, फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई सुबह के साथ, एक नई बातों के साथ, एक नए अंदाज के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पुराने सब्सक्राइबर लौट के आ रहे हैं शायद, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइब जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते थे। देखिए जो गलत कमेंट करते थे वो भी अच्छे ही थे, कम से कम मुझे कमेंट तो करते थे, वो अपना थोड़ा सा टाइम तो देते थे, है ना। और ठीक है, ओके बाय।